दोस्तों कहते हैं जानवर सनकी होते हैं और यदि किसी जानवर का मूड खराब हो तो उसके पास ना जाने में ही भलाई है। लेकिन अक्सर हमारे घर, आंगन, बगीचे और खेत खलियान में कुछ छोटे छोटे कीड़े मकोड़े पाए जाते हैं जो देखने में बिल्कुल नॉर्मल लगते हैं, लेकिन इनमें से कई जानवर जानलेवा भी होते हैं। बिच्छू हो या फिर जहरीली मकड़ी, इन सब से दूर रहना ही बेहतर है। कई बार इन जहरीले कीड़े मकोड़े के काटने पर इंसान की मौत तो नहीं होती, लेकिन सिर दर्द, चक्कर, उल्टी, बुखार आदि न जाने कितनी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो आइए जानते हैं कुछ ऐसे ही डेंजरस जानवरों के बारे में। वेनमस पर्स कैटरपिलर। अगर आप पहली बार पर्स कैटरपिलर को देखेंगे तो ये आपको किसी खरगोश के पैर या फिर टेडी के कान जैसा नजर आएगा। पर इस मासूम से दिखने वाले जानवर के पास जाने की गलती कभी मत कीजिए, क्योंकि ये बहुत ही विषैला होता है। ये जानवर अक्सर झाड़ियों या फिर पत्तियों में छुपा रहता है। ये इतना जहरीला होता है कि इसके काटने पर आपकी हड्डियां डैमेज हो सकती हैं। ये एक कांटेदार कीड़ा होता है और इसके कांटे आपकी स्किन पर उभर आते हैं। ये अपने अंदर की गंदगी दूर से फेंक कर हमला करता है। तो अगली बार अगर आपको ये दिखे तो दूर से ही निकलने में भलाई है। एम्ब्लायपीजी। अब इस जहरीली मकड़ी को ही देख लीजिए। देखने पर यह किसी आतंकवादी जैसी नजर आती है। ये बहुत ही जहरीली और खतरनाक होती है, खासकर इसके आगे वाले दो पंजे, जिससे ये अपने शिकार को जकड़ लेती है। इसमें 100 से भी ज्यादा छोटे छोटे सेगमेंट होते हैं। इनकी लंबाई 50 मिलीमीटर से भी कम होती है। 2005 में आई मूवी अडेप्टेशन ऑफ हैरी पॉटर में आपने इस काले रंग की मकड़ी को जरूर देखा होगा। गोलायत बर्ड ईटर स्पाइडर। दुनिया की सबसे बड़ी मकड़ी वाली प्रजातियों में इस मकड़ी का नाम भी शामिल है। ये मकड़ी पक्षियों का शिकार भी कर लेती है। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि ये मकड़ी काफी बड़ी होती है। इसका आकार और वजन लगभग एक पपी के बराबर होता है। ये अधिकांशतः साउथ अमेरिका में पाई जाती है। ये बहुत ही डरावनी मकड़ी होती है और इसके पैर 1 फुट तक लंबे होते हैं। गोलियात बर्ड ईटर स्पाइडर छोटे छोटे कीड़े मकोड़े और चूहों को आसानी से अपना शिकार बना देती है। ये इंसान के आंख और नाक पर सीधा हमला करती है और इसकी बाइट 1 इंच तक हो सकती है, जो बहुत ही दर्दनाक होता है। तो इसे अपने हाथों से छूने की गलती बिल्कुल भी ना करें। अफ्रीकन लैंड स्नेल। अब आप सोच रहे होंगे कि भला एक घोंगा कब से खतरनाक होने लगा, लेकिन ये अफ्रीकन जाइंट स्नेल एग्रीकल्चर इंडस्ट्री के लिए बहुत ही खतरनाक है। अफ्रीकन लैंड स्नेल धरती पर पाए जाने वाले सबसे बड़े स्नेल में से एक है। इसकी लंबाई लगभग 20 सेंटीमीटर तक होती है। ये सभी प्रकार की हरी चीजों को खा लेता है। अमेरिका में इसे बैन कर दिया गया है। गोलियत टाइगर फिश। आप इस खतरनाक मछली को देखकर ही समझ सकते हैं कि इसका नाम टाइगर फिश क्यों रखा गया। इसके बड़े बड़े और नुकीले दांत इसे स्पेशल बनाते हैं। ये पानी के अंदर पाई जाने वाली बहुत ही खतरनाक मछली है, जो किसी भी जीव पर हमला कर देती है। छोटी छोटी मछलियों का शिकार करना इसके लिए कोई बड़ी बात नहीं। इसका जबड़ा किसी मगरमच्छ की तरह 32 इंच तक खुल जाता है और इसके दांत देखकर कोई भी डर सकता है। इसके दांत किलिंग मशीन की तरह काम करते हैं। मछुआरों की माने तो ये एकमात्र ऐसी मछली है जो क्रोकोडाइल से नहीं डरती। तो अगली बार आप जब भी मछली पकड़ने जाएं तो जरा ध्यान से। जैपनीज जाइंट हॉर्नेट। इस खतरनाक एशियन मक्खी को नेचुरल किलर भी कहा जाता है। अगर आपने स्पाइडरमैन मूवी देखी होगी तो हम आपको बता दें कि इस हॉर्नेट की आंखें बिल्कुल कार्टून स्पाइडरमैन जैसी दिखती हैं। इसकी बाइट इतनी खतरनाक होती है कि हमारी जीन्स में भी होल कर सकती है। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि नंगे हाथों या चेहरे पर अगर ये हॉर्नेट काट ले तो कितना गहरा और दर्दनाक जख्म बन जाएगा। दुनिया में इस वक्त सबसे बड़ी हॉर्नेट नॉर्थ चाइना और यूनाइटेड स्टेट में पाई जाती है। सोशल मीडिया पर इस हॉर्नेट को मर्डर हॉर्नेट कहा जाता है। ये एशिया महाद्वीप के कुछ कंट्रीज में भी पाई जाती है। जापान में हर साल लगभग 30 से 50 लोग हॉर्नेट के काटने से मारे जाते हैं। जब भी इंसान इनके छत्तों को नुकसान पहुंचाता है तो इनका हमला जानलेवा तक हो जाता है। इसीलिए आप भी इनके छत्तों से दूर ही रहिए। एलिफेंट। हाथी की विशालकाय बॉडी, बड़े बड़े कान और लंबी सूंड से तो हर कोई वाकिफ है। धरती के सबसे बड़े प्राणियों में से एक हाथी अपने इमोशन के लिए जाना जाता है। हाथी का अगर मूड अच्छा हो तो वो हमारे साथ फुटबॉल भी खेल सकता है, लेकिन अगर हाथी गुस्से में पागल हो जाए तो फिर भूलकर भी उसके पास नहीं जाना चाहिए, वरना उसका एक पैर हम इंसानों का काम तमाम करने के लिए पर्याप्त है। हर साल लगभग 500 लोग हाथियों के कारण अपनी जान गंवा देते हैं।
सेक्सुअल एक्टिविटीज के समय नर एलिफेंट बहुत ही अग्रेसिव हो जाता है। ऐसे समय में उनके क्लोज जाना मतलब अपनी जान दांव पर लगाने जैसा है। कोमोडो ड्रैगन छिपकली प्रजाति के इस सबसे बड़े जीव को देखकर ही अच्छे अच्छों की हवा टाइट हो जाती है। इसका भारी शरीर व डरावना चेहरा वाकई देखने वालों के मन में डर पैदा कर देता है। इसके खतरनाक दांत हिरन, बकरी, जंगली भैंसे किसी को भी कच्चा चबा सकते हैं। इसके अटैक से अगर कोई जिंदा बच भी गया तो 24 घंटे के अंदर उसकी मौत हो जाएगी। इसका कारण ड्रैगन की लार में पाए जाने वाले जहरीले बैक्टीरिया हैं। हम आपको बता दें कि अगर कभी आपका आमना सामना कोमोडो ड्रैगन से हो जाए तो सीधे भागने की बजाय एक तरंग जैसे आड़े टेढ़े भागना चाहिए, शायद आपकी जान बच जाएगी। तो दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आज का ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको काफी पसंद आया होगा। ऐसे ही अमेजिंग वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। थैंक यू।